अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, होप सभी ठीक होंगे। आज का फिर से अपडेट यही है कि हमारे हाई डेंसिटी प्लांटेशन में प्रूनिंग चल रही है, तो कल हम किंग रॉट की प्रूनिंग एक सेक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज सुबह से टीरेक्स चल रहा है, क्योंकि बरसात थोड़ी थोड़ी दिन भर चलती रही, लेकिन काम को कंटिन्यू करना पड़ा रेनकोट पहन के, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया है। जिस हिसाब से मौसम चल रहा है तो सिल्वर टिप आने वाली है, तो सिल्वर टिप पे हम लोगों ने डिसाइड किया है, क्योंकि जो डिलीशियस वेराइटीज़ है उनकी वजह से जो हमारा सोपोर का इलाका है, जो ये हमारा जनगेर हुआ, चकलापोरोपेट हुआ, तो जितने भी प्लेन वाले एरियाज़ हैं जो कि पुराने ज़माने में मोस्टली ये जो है पैडी फील्ड की खेत रहे हुए हैं, जिन पे हम लोग आजकल ऑर्चिड्स लगा रहे हैं, तो इनमें डिलीशियस वेराइटीज़ के ऊपर ये जो स्कैब और अल्टरनेरिया मार्सुनिना का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में सिल्वर टिप के ऊपर या तो सल्फर की ये जो है स्प्रे होनी चाहिए, नहीं तो फिर डोडीन की भी कर सकते हैं। तो इस वजह से तो आज हम टीरेक्स गाला की प्रोनिंग कर रहे हैं। टिप्स वही है, अब जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस प्लांट को ले लीजिए। इस प्लांट में शायद फेदर ही कम थे और कोई ज़्यादा मोटे फेदर नहीं थे, एक को छोड़ के ये जो है ब्रेक भी हुआ है, और फिर उस वजह से कट जो है इसका यहाँ नीचे आकर के लगा था करीब 4.5 फुट पे। तो 4.5 फुट पे कट लगने से तो इसकी ग्रोथ ठीक ठाक चली गई है। तो अब इसके कंपैरिजन में इस प्लांट को ले लीजिए, इसमें एटलीस्ट 3 या 4 बड़े मोटे ब्रांचेस हैं जो उस समय कट नहीं हुए थे, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ, इसका भी कट यही कुछ 4.5 फुट के आसपास लगा था, तो ग्रोथ इसकी फिर जा नहीं पाई है। फिर एफेडस का भी अटैक रहा, ये तो एफेडस की वजह से है यहाँ पर ग्रोथ रुक गई थी। तो ये जो है, तो कहने का मकसद यही है कि जब हम नई प्लांटेशन करते हैं तो उस समय हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि इतने सारे ब्रांचेस निकालेंगे तो फिर प्लांट के ऊपर क्या रह जाएगा, या तो फेदर्ड प्लांट आया था। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, जो भी मोटा फेदर दिखे सेंटर लीडर के डया से हाफ के आसपास का, तो वो काट देना चाहिए, नहीं तो 1 साल की मेहनत। अब जैसे एक इस फेदर को ले लीजिए, इस फेदर को अगर उस समय काट दिया होता तो नहीं, आज 1 साल इसको पालने के बाद 1 साल के बाद निकालना पड़ रहा है, जबकि इसमें फ्रूटिंग बर्ड्स भी काफ़ी सारा आ चुका है। अब उसके कंपैरिजन में जहाँ जहाँ पर हमने कहीं जो है कट लगाए थे, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो थोड़ा सा अब वही वाली बात है कि शायद हम भी डर गए थे। अब जैसे ये कट लग गया था, हालांकि फेदर ऊपर से निकला है, लेकिन फिर भी पतला फेदर है, अभी इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई सारे जो कट है बिल्कुल सटीक तरीके से लग जाते हैं, तो उसमें हमको फिर देखना नहीं पड़ता। आप जैसे इस फेदर को ले लीजिए, तो इस फेदर में ये यहाँ पर कट तब लगा था जब प्लांटेशन हुई थी, ये वाला कट लग गया था यहाँ पर,
तो आज ये फैदर जो है बिल्कुल परफेक्ट फैदर है हमारे लिए, तो लेकिन इससे नीचे वाले मोटे फैदर को निकालना पड़ेगा। तो अब जैसे ये कट लग गया था तब, तो ये जो फैदर हम अभी इस हमें हमारे पास है बिल्कुल बढ़िया फैदर है, ठीक है, सॉफ्ट है, जितना नीचे जाना चाहे जाना ले जाना चाहेंगे हम ले जा सकते हैं। और इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि मोटे फैदर ना रखने से लीडर हमारा हाइट अटेन कर लेता है, तो ये है मामला। अब जैसे इस प्लांट के ऊपर 2-3-4 कट लगे थे, ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाइवल कट्स लगे थे, एटलीस्ट 3 लग गए थे, इसकी वजह से लीडर ठीक ठाक भाग गया है, तो अच्छी ग्रोथ हुई है लीडर में। तो बस इतना सा, ये टीरेक्स गाला है, और टीरेक्स गाला वैसे भी ग्रोथ के मामले में थोड़ा सा मतलब डिलशस के साथ साथ जैसा ही चलता है, तो जबकि मीमा गाला तो बहुत ज़्यादा भागता है। तो आगे वाले सेक्शन में हम फिर आपको मीमा गाला की प्रोनिंग भी दिखाएंगे, और उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, वो तो इसी फर्स्ट लीफ में ही हमारा 9 फुट के आसपास पहुंच गया है। तो मीमा गाला में ग्रोथ कंपरेटिवली ज़्यादा है, तो टेरेक्स गाला थोड़ा सा कम रहता है। तो इस वजह से हम जैसे आमतौर से जो कट लगाते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना बताइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रोथ का इश्यू रहता है। तो अगर हम जो रिन्यूअल कट है, तो जैसे ये यहाँ पर नीचे की कोई आँख देख के, ये देखिए ये आँख मिल गई हमको, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बेवल टाइप, थोड़ा स्लांटिंग टाइप में कट लगा देंगे, तो क्योंकि फिर ग्रोथ इनिशिएट ठीक ठाक हो जावे। तो बस इतना सा अपडेट है। अब ये जो है फैदर, चूँकि लीडर हमारा रुक गया है, तो इस वजह से हमको ये बर्ड्स भी उठाने पड़ेंगे, ये वाला एरिया पूरा क्लियर करना पड़ेगा, इसका एंगल सही नहीं है, ये हटाने पड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये लीडर के पास में है। तो ये वाला थोड़ा नीचे आ गया, फिर ये तो ठीक है। तो अब जैसे ये मोटा है, तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो मुझे लगता है इसको एक को तो निकालना पड़ेगा, इस साल तो छोड़ भी सकते हैं कोई, क्योंकि ज़्यादा मोटे है नहीं, पतले से ही है, तो इस साल तो शायद ये चल जाएंगे। बाकी इतना सही है, थैंक यू वेरी मच। आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, तो उससे क्या है कि उससे नॉलेज शेयरिंग हो जाती है, आपके जो भी कोई सजेशंस सुझाव होंगे, तो हम भी अपने काम में, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता है सर, तो बस हम सभी तो सीख ही रहे हैं। तो ये जो है अब इनमें हम कोशिश करेंगे सर्वाइवल, ये जो है थोड़ा सा बेबी क्लिप्स देने की, इन पे बेबी क्लिप्स देना बहुत ज़रूरी है, ये जो छोटे वाले फैदर है, और एक तो ये है कि पीछे बड स्प्राउटिंग हो जाए, और दूसरा ये कि जो हमारा फैदर है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए। अब जैसे इस फैदर को आगे तो ये फ्रूट लगा हुआ है, तो अभी हम लालच में आ सकते हैं कि इस फ्रूट की वजह से इसको छोड़ दें, लेकिन हमें इसको कट करना पड़ेगा ताकि ये फैदर बड़ा हो जावे, ठीक है। बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, तो थैंक यू वेरी मच। ये था टीरेक्स गाला, तो थैंक यू वेरी मच।